अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरी आप सब लोगों के लिए दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको सेहत और ज़िंदगी अता करें, आमीन। तो अभी मैं बाहर आई थी तो मैंने कहा चले बाहर चलती हूँ, जाकर वीडियोज़ बनाती हूँ। घर में तो मुझसे वीडियोज़ बनते नहीं है, अगर मैं ज़्यादातर कोशिश भी करूँ ना तो घर में बनती नहीं है बहुत ज़्यादा। मैं इतने दिन से रोज़ाना कोशिश करती हूँ, आज बनाती हूँ आज बनाती हूँ, लेकिन फिर मैं कहती हूँ जो रहने देती हूँ रहने देती हूँ, बाहर जाऊँगी बनाऊँगी। क्योंकि जब मैं बाहर आती हूँ ना तो मैं रिलैक्स होकर बना देती हूँ, यानी कि अगर मुझे कोई बात वगैरह करनी हो तो वो मैं कर लेती हूँ। घर में इतना शोर शराबा होता है, सब घर में होते हैं। तो अभी शाम का टाइम है ना, अभी यहाँ पे मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, रोज़ाना मौसम शाम के टाइम। मैं ना शाम के टाइम बाहर निकल आती हूँ, अभी भी यहाँ पर बहुत हवा चल रही है, यानी कि हवा सारा दिन ही चलती रही है, अभी भी चल रही है बहुत। अभी शाम का टाइम होगा ना तो अभी ठंडी हो गई है, जब दिन का टाइम था तो तब ये गर्म लग रही थी। तो अभी सूरज है बस थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा सूरज मतलब होने वाला है। तो मैं बाहर आई थी, जो बच्चे ना वो मेरे पीछे आ रहे थे, मैं बड़ी मुश्किल से उनसे जान छुड़वा के आई हूँ। मैंने कहा नहीं, घर में भी आप सारा दिन मुझे तंग करते हो, घर में भी इतना ज़्यादा शोर डाला हुआ है ना, इतना ज़्यादा मैं तो बहुत ज़्यादा तंग आई पड़ी हूँ बच्चों की से। मैं कहती हूँ कि एक इंसान है ना, एक इंसान की लिमिट होती है हर चीज़ को बर्दाश्त करने की, तो जो मेरी अब जो लिमिट है ना वो ना अब लिमिट मुझ में ख़त्म हो गई। अब मैं ज़्यादा देर ना मेरे से ज़्यादा टाइम आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होते हो, तो वही बात है, अभी मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होते। तभी मैं बाहर आ रही थी तो वो मेरे पीछे आ रहे थे, तो मैं बड़ी मुश्किल से उनसे जान छुड़वा के, मैंने कहा नहीं मैंने आप लोगों में से किसी को भी नहीं लेके जाना, क्योंकि जब मैं बाहर होती हूँ तो फिर आप लोग मुझे तंग करते हो, कभी इधर इस तरफ हो जाते हैं कभी इस तरफ, फिर बार बार मुझे बोलना पड़ता है। तो इसलिए मैं उनको बड़ी मुश्किल से उनसे जान छुड़वा के आई, मैंने कहा आप लोग घर ही रहो तो मैं थोड़ा जो टाइम है ना वो बाहर जा कर ना रिलैक्स होकर आती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने तो घर में बहुत फर्दूल डाला हुआ है, बहुत ही ज़्यादा डाला हुआ है। तो बच्चे जो आए हैं, ज़्यादा बच्चों को छुट्टियाँ हुई हैं, मेरी बहन के बच्चे हैं वो लोग आए हुए हैं छुट्टियाँ इंजॉय करने, तो वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, वही हैं वही आए हुए हैं, छुट्टियाँ हैं ना तो इसलिए वो सब लोग आए हुए हैं छुट्टियाँ गुजारने, तो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, शोर बहुत ज़्यादा करते हैं, और मुझे तो बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम मुझसे शोर जो होता है वो बर्दाश्त नहीं होता, तो इसलिए मैं तंग आ जाती हूँ। वरना और कोई बात नहीं, अगर बच्चे आराम सुकून से रहें, तंग ना करें, शोर ना करें, ज़ाहिर ऐसे बच्चे होते नहीं हैं जो तंग ना करें और शोर ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बच्चे ऐसे हों, शायद होते भी होंगे ऐसे बच्चे, लेकिन बच्चों का तो काम ही यही होता है शोर करना, तंग करना, और बस यही कुछ। तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम बाहर आई थी, मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियोज़ भी बना लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो अक्सर टाइम पर यानी कि मैं ना बहुत छोटी सी वीडियोस बनाती हूँ, मैं ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाती। मैं ये होता है कि ये ना हो कि आप लोग मेरी वीडियोस से बोर हो जाएं, आप लोग मेरी वीडियो फुल भी ना वॉच करें और आप लोग बीच में छोड़ के चले जाएं, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा छोटी सी वीडियो बनाती हूँ। कोशिश कभी कभार मुझसे बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर मैं मुझे बीच में से बहुत ज़्यादा कट करनी पड़ती है, तो वही वो इसी वजह से मुझे सोच के ये सोच के मैं कट करती हूँ कि फिर आप लोग मेरी वीडियोज़ जो है वो फुल वॉच नहीं करेंगे, तो आप लोग मुझसे बोर हो जाएंगे मेरी बातें सुन के। बातें करने को मैं बहुत ज़्यादा बातें कर सकती हूँ, वीडियोस भी लंबी मैं बहुत ज़्यादा लंबी भी वीडियोस बना सकती हूँ, 10 मिनट की बना सकती हूँ, 11-12 मिनट की बना सकती हूँ, लेकिन मैं इतनी लंबी नहीं बनाती, इसलिए छोटी वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोग आसानी से मेरी वीडियोज़ वॉच कर सकें। तो बस यही थी वीडियोज़ की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।